अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिव्यम जी का मूड हमारी वजह से खराब है, शायद ये सैंडविच खाके उनका मूड सही हो जाएगा। अरे वाह, ये आपने अपने पति के लिए बनाया है? नहीं, ये तो हेल्दी सैंडविच है ना, तो दिव्यम जी के लिए बनाया है। अच्छा, तो आप ये सब बनाकर दिव्यम जी को पटाकर रखती हैं? अरे हमारा मतलब है कि उन्हें खुश करके रखती हैं, है ना? लाइए, ये हमें दीजिए, हम उन्हें दे देंगे। आप जाकर अपने पति को संभालिए। नहीं, वो हमें बाकी सब के लिए भी खाना बनाना है ना। अरे वो सब हम कर लेंगे, आप जाइए अपने पति के पास। राधिका, मेरी वो वाइट कलर की जो शर्ट है ना, उस पे दाग लग गया है, उसे जाओ जल्दी से साफ कर दो। वो वाली शर्ट तो हमने पहले ही साफ कर दी थी, ब्रश पे टूथपेस्ट लाके ना अच्छे से रगड़ दिया था। राधिका, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुमने वो शर्ट अच्छे से धोई ही नहीं, उसमें अभी तक दाग लगा हुआ है, तुम्हें पता है? नहीं दिव्यम जी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमने उसे बहुत अच्छे से साफ किया था और हमने खुद देखा था उसमें कोई दाग नहीं है। ये राधिका नादान है या बेवकूफ, कुछ समझती नहीं। दिव्यम जी, हमने ना आपके लिए ये सैंडविच बनाया है, लीजिए। वाओ, वैसे किन चीजों से बनाई है सैंडविच? वो हमने कभी ऐसा है ना कि किसी और के काम पे अपना नाम लिखने से बेहतर है कि खुद काम करने की कोशिश की जाए। वैसे भी रहने दो, राधिका से अच्छी सैंडविच तो कोई बना सकता है नहीं। राधिका जी, राधिका जी, आपके पति आपको बुला रहे हैं, जाइए। ओह नो, अरे ये तो खराब हो गया। एक काम करो राधिका, अब तुम इसे धो दो, ठीक है? और अच्छे से धो देना, वो शर्ट तो तुमने अच्छे से धोई नहीं थी, इसे एकदम रगड़ रगड़ के साफ कर देना, समझी? क्या कहा मैंने, कैसे साफ करना है? रगड़ रगड़। वेरी गुड, जाओ। ये तो हम समझ गए कि दिव्यम जी ने इसलिए अपनी शर्ट पर दाग लगाया ताकि हमें स्वामी जी के पास न जाना पड़े, पर कलीजी के सामने शर्ट उतारने की क्या जरूरत थी? देख क्या रहे हो, जाओ जल्दी अपना काम करो। क्विक, दिव्यम जी, आप हमें कोई काम के लिए क्यों नहीं बोलते? आप हमेशा नौकरानी जी से क्यों, मतलब वो राधिका को क्यों देते हैं? आप हमें भी कोई काम दीजिए ना। एक मिनट, तुम्हें काम चाहिए ना, बाहर मेरी बाइक खड़ी है, उसका पंचर ठीक करवा दो। हाय दैया, बाइक का पंचर? हाय दैया, बाइक का पंचर? ये बाइक का पंचर कैसे ठीक करेंगे हम? क्या दिव्यम ने तुम्हें पंचर सुधरवाने के लिए कहा? जी दादी सास जी, देखिए ना, हम जानते हैं उसने ये सब कुछ जानबूझकर कहा होगा ताकि तुम परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो गेंदा फूल का पति है ना, वो किस दिन काम आएगा। स्वामी? हाँ जी माता जी। जी माता जी। स्वामी, हमारा एक काम कर दो जी, हमारे पोते की बाइक बाहर खड़ी है, उसका पंक्चर सुधरवा दो। इस बुढ़िया को पटाकर रखना होगा, असली मालकिन यही होगी। जी जी बिल्कुल। क्या माता जी,
इससे तो आने जाने का खर्चा निकलेगा, पंचर लगवाना है तो थोड़ा और लगेगा। बच्चे जो पैसे वापस ले आना। जी जी बिल्कुल। ये राधिका का पति है बड़ा लालची, पर जो भी हो हमें क्या, कम से कम यहाँ से गर्दापुर को ले जाए बस। सुजाता, तुम जितनी शिद्दत से इस गोलमुखी को भगाना चाहती हो, वो आज ही उससे ज्यादा शिद्दत से इससे छुटकारा पाना चाहती है। उस गोलमुखी की उल्टी गिनती शुरू। राधिका की उल्टी गिनती के साथ उस गली के स्वागत का मुहूर्त भी करीब आ रहा है सुजाता। कहीं सच में कली और दिव्यम की शादी हो गई हो तो? पहले गले की हड्डी गोलमुखी से तो पीछा छूटे, फिर इस गली को तो हम अपनी चुटकियों में मसल देंगे। राधिका, तुमने सच में दाग निकाल दिया। थैंक यू दिव्यम जी। थैंक यू, नॉट बैड राधिका, मतलब सॉरी के अलावा तुमने एक नया शब्द सीख लिया, वेरी गुड। ये गेंडा स्वामी मेरी बाइक कैसे चला रहा है? हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरी बाइक को हाथ लगाने की? हाँ तो बाइक को तो हाथ लगाए ना, आपकी बीवी को तो नहीं छेड़ दिया है? दिव्यम जी, दिव्यम जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, अपने गुस्से को काबू में रखिए। ओ भाई जी, हाथ पीछे, किस बात पे भड़क रहे हो आप? माता जी के कहने पे मैंने आपकी बाइक को हाथ लगाया है। अब मालिक, मालिक प्लीज प्लीज उनका कॉलर छोड़ दीजिए। बड़ी दादी, आपने क्यों दी उसको मेरी बाइक? को अच्छे से पता ना कि कोई भी ऐरा गैरा मेरी चीजों को छूता है तो मुझे नहीं पसंद। दिव्यम, उसने तो तुम्हारी बाइक ठीक कराई है, तुम्हें तो उसे शुक्रिया कहना चाहिए। क्यों ठीक करवाई उसने? मैंने कली को कहा था ना ठीक करने के लिए बाइक, कहा था कि नहीं? कली से बीवी वाले काम करवाओ, मैकेनिक वाले नहीं। कली खुद आई थी मेरे पास कि उसे कुछ काम चाहिए वाला, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को कोई भी काम सौंपने का बड़ी दादी। हाँ, सिवाय गेंदा फूल के। हाँ, क्योंकि गेंदा। बेटा शांत हो जा बेटा। और कली, तुम क्यों बार बार दिव्यम से काम मांगती रहती हो? अगर तुम काम मांगोगी तो वो ऐसे ही काम देगा तुमको। हाँ सुजाता, तुम भी अपने बेटे का पक्ष ले रही हो? अरे होने वाली बहू की कदर करो, उसके बारे में सोचो। और वैसे भी हमने फैसला कर लिया है कि आज से दिव्यम के सारे काम ये गेंदा फूल नहीं करेगी। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका पति आ गया है, वो उस पे ध्यान दे। और अभी झगड़ा बंद करो। स्वामी, हमारे बचे हुए पैसे दो। वो सब तो खर्च हो गए माता जी। खर्च हो गए? क्या मतलब? कहाँ उड़ा दिए तुमने वो पैसे? बताते हैं। राधिका जी हमारी फिक्र ना करती हो, पर हम तो उनकी करते हैं ना। उनके लिए चूड़ी चुनरी बिंदी ये सब लेने गए थे, उसी में सब खर्चा हो गया। माता जी, आपके पैसे हमारे पास है, जैसी तनख्वाह मिलेगी हम आपको लौटा देंगे। देखा,
तुम्हारा पति तुम्हें कितना प्यार करता है। चलो अब सब लोग अंदर चलो, आओ। मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।